हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ काजल शुक्ला। आज मैं आपको सिखाऊंगी आर्म्स वैक्स कैसे करते हैं, और ये है मेरी मॉडल मीना। हाय मीना। हाय। वैक्सिंग शुरू करने से पहले कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। वैक्सिंग हीटर है मेरे पास, छोटा सा हीटर है, एंड वैक्स है। मैं ये क्रीम वैक्स यूज़ करती हूँ, आप जो भी वैक्स यूज़ करते हो आप कर सकते हो। ये स्ट्रिप्स है जो डिस्पोजेबल है, यूज करके फेंक दो, एक ही दफ़ा यूज़ होती है। स्पेशनर है, ग्लव्स है, बिफोर वैक्स है, आफ्टर वैक्स है, पाउडर है, क्रीम है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है वैक्सिंग स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास सब कुछ मौजूद हो। मैं शुरू करती हूँ आर्म्स वैक्स, स्टेप बाई स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी। तो फर्स्ट हम ग्लव्स पहनेंगे, जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं हमेशा वैक्स में ग्लव्स पहनती हूँ, विदाउट ग्लव्स वैक्सिंग नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद हम पाउडर लेंगे थोड़ा सा हाथ में, और हम यहाँ पे लगाएंगे। आपको चेक भी करना है कि अगर उनके हाथ में क्रीम है, ऑयल है, तो आपको उसको पहले वैक्स कर देना है, फिर आपको वैक्सिंग स्टार्ट करनी है। वैक्सिंग के लिए ध्यान रखेंगे उनके हेयर ना आए बैक कर दे, और आपके भी हेयर उनके ना आए। थोड़ा सा लाइट साइड हो जाए, आप फर्स्ट कंफर्ट हो जाओ एकदम। हम पहले शुरू करते हैं शोल्डर से। वैक्सिंग का टेम्परेचर सही होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं, बहुत ठंडा भी नहीं, मिडल में। ये पार्ट के हेयर ऑलवेज ऊपर की साइड होते हैं, यहाँ तक के ऊपर की साइड होते हैं। प्रेस प्रॉपर, तो इस स्किन को यहाँ से होल्ड करके खींचे और निकाल दे। और इस स्ट्रिप्स को मैं फेंक दूंगी, दोबारा यूज ना करें। धीरे धीरे पूरे राउंड कवर करें एंड तक, ऊपर की साइड। वैक्स के नीचे धीरे नहीं ध्यान रखें। Always press proper, slowly, slowly. अब आएगा नीचे के हेयर। ये जो हेयर होते हैं वो ऑलवेज नीचे की साइड होते हैं, तो हम उसको इस साइड लगाएंगे। हेयर का रूस जहाँ पे भी होता है उसी साइड आप वैक्स करो, वैक्स का एप्लीकेशन करें। अगर पाउडर आपको कम लग रहा हो तो आप बार बार भी यूज कर सकते हो। ऑलवेज वैक्स करने से पहले ध्यान रखें कि जो नीचे की स्किन है उसको हमें पकड़नी है, अदरवाइज आप ऐसे ही लगा के ऐसे करेंगे तो उनको ज्यादा खींचेगा। पर आपके दोनों हाथ वर्क करने चाहिए, ऐसे नीचे से इसे होल्ड करें तो पूरा स्किन टाइट हो जाएगी, और फिर आप एप्लीकेशन करके लगाएं। और ये हाथ को आपको छोड़ना नहीं है जब तक आपने वैक्स स्ट्रिप्स को निकालना दिया हो। ओके, होल्ड हियर एंड अप्लाई। बहुत थिन भी नहीं, थिक भी नहीं, लेयर्स बहुत ही अच्छी तरह से करें, स्किन पे चिपक नहीं जाए। ओके, हाफ हाफ प्रेस प्रॉपर, स्लोली इसको स्लोली, उनको खींचेगा भी नहीं और कुछ भी नहीं होगा, और रूट से बाहर आएंगे जब आपने होल्ड प्रॉपर किया होगा।
प्रॉपर क्लीन करें। आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो रहा है और बाल रूट से आ रहे हैं। इसको फेंक दे। आप देख सकते हो कि मैं वैक्स को किस तरीके से ले रही हूँ। हाफ ऐसे करके निकाल दो, यहाँ से भी करो राउंड। इसको इस तरीके से पकड़ना है हाफ, ना ही कि यहाँ से, ना ही कि इस तरीके से हाफ पकड़े, होल्ड करें, लगाए ब्रश प्रॉपर अच्छी तरह से एंड आराम से खींचे। उनको खींचेगा भी नहीं, दर्द भी नहीं होगा। आप देख सकते हो कितना आराम से बैठी हुई है। थोड़ा थोड़ा करके ही करें। अब आएगी ये स्किन, तो इस हाथ से इस स्किन को पीछे की तरफ लाए तो ये अपने आप ये पार्ट ऊपर आ जाएगा। बस इसका एक ही। अगर इतना सारा हो गया है तो हमें यही स्ट्रिप्स दूसरी दफा लेने की जरूरत नहीं है, हम नई स्ट्रिप्स लेंगे। बार बार एक ही स्ट्रिप्स ना यूज करें, अगर वो खराब हो गई हो तो तुरंत दूसरी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो स्किन होती है हमारी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है। देख रहे, कोई भी वैक्स नहीं है, स्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम आएंगे इस साइड, इसको भी यहाँ से नीचे से ऐसे होल्ड करें, एक सारी स्किन हमारे हाथ में आ जाए। फिर हम यहाँ पे पतला लेयर्स बनाएंगे। बहुत ज्यादा ज्यादा ना करें, स्मॉल स्मॉल पार्ट करें। प्रेस प्रॉपर खींचे। हमें इस तरीके से खींचना है, ऐसे नहीं जाना है। इस वे पे अगर जाओगे तो आपके हेयर कट होंगे, अगर इस तरीके से जाओगे तो वो रूट्स से आएंगे। ओके, ये खत्म करके फेंक दो इसको। यहां से होल्ड करें तो ये नीचे का एरिया ऊपर आ गया। ये वाली स्किन पे आप बहुत छोटे छोटे पार्ट ले और वैक्सिंग करें और बिल्कुल जल्दी ना करें, क्योंकि ये स्किन तुरंत ही कट हो जाती है। स्लोली स्लोली थोड़ा करें। अगर आप प्रॉपर प्रेस करोगे तो एक ही दफा में हेयर आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि कहीं पे हेयर तो नहीं है ऊपर की साइड। जहाँ जहाँ आपको लगे कि हेयर थोड़े रह गए हैं तो आप थोड़ा सा पतला लेयर्स करके दूसरी दफा ले सकते हैं, पर बहुत पतला लेयर्स जब आप दूसरी दफा लो तो बिल्कुल थिक लेयर्स हैं। ओके, अब हम आएंगे इस साइड। फ्रंट साइड जो होता है उसके हेयर इसके ग्रो इस साइड हो रहे हैं, तो हम सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा इस साइड वैक्सिंग को अप्लाई करने का भी। तो हम जब इस साइड से खींचेंगे तो वो हेयर रूट से आएंगे। तो मैं वापस पाउडर लगा रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ, मैं किसी भी चीज़ में रखती नहीं हूँ। देख रहे हो, ग्लव्स से कोई हाथों में कुछ भी नहीं चिपक नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है और आराम से मैं कर रही हूँ। अब हम इस साइड
आपकी ऑलवेज याद रखें, जब आप वैक्सिंग कर रहे हो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन फैन के साथ किस तरीके की होनी चाहिए। जब मैं यहाँ थी तो मैं इस साइड थी, अब मैं इस साइड आ रही हूँ तो मैं थोड़ी इस साइड आऊँगी और उसका हाथ सीधा करके हम वैक्सिंग करेंगे। आप पूरा टर्न होए, क्लाइंट जैसे ही बैठे उसको ऐसे ही रहने दें। इसको भी यहाँ से होल्ड करेंगे प्रेस के ऊपर और खींचेंगे। देख रहे हो रूट्स से हेयर आ रहे हैं सारे, जो इसके रूट्स दिख रहे हैं। तुरंत ही उसको डाल दे और नया स्ट्रिप्स यूज करें। सब कहते हैं आर्म्स वैक्सिंग बहुत ही इजी है, पर सबसे हार्ड यही है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट्स होते हैं। कभी हेयर इस साइड होता है, कभी हेयर उस साइड होता है, तो हमें उसके हिसाब से ही इसमें वैक्सिंग करना पड़ता है। इसको ऑलवेज हाथ को ऐसे पकड़े, ऐसे ले, प्रेस प्रॉपर इस चार फिंगर से प्रेस करें, इसको यहाँ से होल्ड करें और प्रॉपर नीचे के हाथ ऑलवेज ध्यान रखें, प्रेस प्रॉपर। फिर इधर से आप ऐसे भी प्रेस कर सकते हो जब ऊपर आते हैं, प्रेस प्रॉपर। देख सकते हो सारे बाल रूट से आ रहे हैं, कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं कि आपको दूसरी दफा किसी दफा वैक्सीन करना पड़े। हाँ कभी छोटे हो तो एक दो दफा करना पड़ता है। अब हम हाथ को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे। मैं वापस पाउडर लूंगी। होल्ड यहां से करूंगी। हमारे दोनों हाथ वर्क करते हैं वैक्सीन में। मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है तो आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा काट करके भी कर सकते हैं। तुरंत ही डाल दे बिकॉज ये वाली स्किन बहुत पतली होती है। ये वाला हो गया, पर मैं फिर भी चेक करूंगी अगर मुझे कहीं दिखा तो मैं एक दो हेयर ले लूंगी, सारे में करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये वाला पार्ट आएगा, तो इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से, बिकॉज यहाँ के हेयर जो होते हैं वो उस साइड ग्रो है, तो हमको उसको ऐसे हाथ को टर्न करना पड़ेगा। अब हम टर्न करके वैक्सिंग करेंगे। थोड़ा सा पाउडर लेंगे। जब आपको लगे कि स्किन में थोड़े आपके हाथ चिपक रहे हैं तो आप तुरंत पाउडर करें। ऑलवेज कवर करें क्लाइंट को कि उस पर कहीं पर कोई वैक्सीन ना गिर जाए। और अगर आपके पास भी एक आप पहन सकते हो, अगर आपको कोई ऐसा हो तो भी वैक्स गिर सकता है। मैं थोड़ा लंबा पार्ट ले रही हूँ, आप छोटे छोटे पार्ट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं कैसे ले रही हूँ। प्रेस कर ये ज्यादा हो गया तो मैं ये उस पर नहीं लगाऊंगी, मैं दूसरा स्ट्रिप्स लूंगी। काफी लोग होते हैं जो एक स्ट्रिप्स में पूरा हाथ कर देते हैं, पर अच्छा नहीं लगता क्योंकि क्लाइंट को खींचता है ज्यादा। अगर आप नई स्ट्रिप्स यूज करेंगे तो वो ज्यादा खींचेगा नहीं। हम एल्बो का पार्ट आएगा,
उसमें आप एल्बो को इस तरीके से पकड़ें, यहाँ से इस तरीके से पकड़ें। ऊपर से नीचे की तरफ पूरे एल्बो को छोटे छोटे काट लें। जहां तक सारी वैक्स ना निकल जाए तब तक आप, क्योंकि ये क्रीम वैक्स है तो थोड़ा इसमें ऐसा ही करना पड़ता है मुझे। ओके, तो हम अब यहाँ तक आएंगे, तो ये हम इसके हाथ में अपना हाथ दे देंगे और इसको हम होल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम वैक्सिंग स्टार्ट करेंगे। आपका वैक्सिंग का टेम्परेचर हमेशा आप चेक करते हैं, अगर आपको लगे कि अब थोड़ी ठीक हो गई है तो आप थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं। अभी कहते दो के दिन में पूरे यहाँ पे सब जगह पे वैक्सीन कर दो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हेयर होता है हम वहाँ पे ही वैक्सीन करें। अब इसके हेयर इधर नहीं है तो मैं इधर वैक्स नहीं लगाऊंगी, जहाँ पे जहाँ पे इसके हेयर है इस आंस मैं वहाँ पे ही वैक्स लगाऊंगी। फिंगर बाय फिंगर पकड़ते रहेंगे और वैक्स निकालते रहेंगे। देख सकते हैं एक ही दफा में क्लीन होता है और सारे हेयर बाहर निकलते हैं। ये हमारा एक आंस पूरा हो गया, आप देख सकते हो तो कितना क्लीन क्लियर हो गया। यहाँ पे भी हेयर नहीं है और नाइस थोड़ा सा रेडनेस है वो निकल जाएगा। हम आफ्टर दोनों हाथ खत्म होते हुए आफ्टर हम वैक्स क्रीम या ऑयल लगा लेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे दूसरा आंस। उससे पहले आप चेक करें उनके हेयर अगर ओपन हो तो उसके पीछे रख दो प्रॉपरली, और आपके हेयर भी कहीं पे भी मुंह पे आने नहीं चाहिए। ऑलवेज अपने हेयर भी कवर करो। हमारा ड्रेसअप भी जरूरी है कि कहीं पे उनको बीच में ना आए, हमें बीच में ना आए। प्रॉपर पाउडर लगाए हमेशा हाथ में लेके। ओके, पहले हम यहाँ का पार्ट स्टार्ट करेंगे बिकॉज हेयर ऊपर की साइड ग्रो है। अगर ये ज़्यादा खराब हो गई हो तो इसको फेंक दो और हम दूसरी नई ले लेते हैं। स्पेशल वैक्स का टेम्परेचर ऑलवेज चेक करें कि ज़्यादा गर्म ना हो। अगर बहुत गर्म होगी तो वैक्स लाइन पे गिरेगी। ऊपर से नीचे की साइड होल्ड करें प्रॉपर, यहाँ पे भी कर सकते हो। जब आप प्रॉपर प्रेस करते हो तो उनको नहीं खींचेगा।
कहता है कि हमें आम स्पेक्स यहाँ से चाहिए, तो आप इधर से भी दे सकते हो, पर यहाँ ज़्यादातर लोग सिलर्स पहनते हैं, हमें से ही कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर हम ऊपर से ही करते हैं स्टार्ट। चेक करेंगे थोड़ा सा वैक्स लगा हुआ है, कभी भी ड्राई वैक्स को ना निकाले, ड्राई हो गया है तो उसके ऊपर अगेन थोड़ा सा वैक्स लगा दे कि वो भी थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी आपके हाथ ऑटोमेटिकली होल के लिए चला जाएगा, ये हाथ ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा। अब हम स्टार्ट इस साइड करेंगे, आप देख सकते हो पाउडर नहीं है, उड़ गया, तो मैं अगेन पाउडर लूंगी। जब आप पाउडर लगाते हो तो आपको हेयर भी दिख जाते हैं कि कौन सी साइड हेयर है कौन सी साइड नहीं है, तो क्लियर दिखते हैं कि हाँ हमारा ये पार्ट बाकी है। इतना ही हो जाए तुरंत ही उसको कवर करके आप दूसरा पार्ट यूज कर सकते हैं। हमेशा ये पार्ट को बस थोड़ा थोड़ा लेके ही करें, होल्ड प्रॉपर। ये जो एरिया है इसमें ऑलवेज नई स्ट्रिप्स यूज करें, कभी भी यूज की हुई ना करें, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तुरंत ही ब्लड ऊपर आ जाता है इसमें। लगाएंगे वापस थोड़ा सा पाउडर, जब आप करोगे तो ये रूट्स से सारे बाल आएंगे और लंबे भी आएंगे, ऊपर से जितने लंबे नहीं दिख रहे थे उतने इधर लंबे दिख रहे हैं क्योंकि वो अंदर से आए हुए हैं रूट्स से। अब
देख सकते हो कि मैं जिस साइड उसका हेयर का वे है, मैं उसी साइड जा रही हूँ। देख सकते हो कितना हेयर आया है। ओके, अब ये सीधा, अगेन थोड़ा पाउडर लगाऊंगी, आपके हेयर भी स्टिक ना हो और उनको भी स्टिक बनाना महसूस हो। देख सकते हो मेरा दूसरा हाथ इस हाथ के साथ साथ ही मूव हो रहा है। Always इस जगह पे नई स्ट्रिप्स यूज करें। यहाँ के हेयर इस साइड ग्रो हुए हैं तो हमें उसको ऐसे करना है, नीचे की तरफ ले जाना है, तो हेयर नीचे की साइड आए तो हमें इजी रहेगा वैक्स के लिए। इसको ऐसे टर्न करें, ऐसे टर्न करें, इससे अच्छा है आप ऐसे ही मूवमेंट दें उनको, तो क्लाइंट भी रिलैक्स रहता है और हम भी रिलैक्स रहते हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा वैक्स ठीक हो गया है, तो मैंने टेंपरेचर थोड़ा बढ़ा दिया। आपने जब थिकनेस होती है तब ऐसे भी कभी होता है, तो प्लीज ध्यान रखें कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कर लेती हूँ, पर कभी भी रुक ना जाए। थोड़ा सा भी थिक वैक्स होगा तो वैक्स नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा टेम्परेचर सही रखना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब हम एब्रो लेंगे। दोनों हाथों का यूज प्रेफर करें। मैं वैक्सिंग में पाउडर का इस्तेमाल बहुत ही करती हूँ। वैक्सिंग के लिए सही लाइटनिंग भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ
हमारे आर्म्स फिनिश हो गए हैं, तो अब हम चेक करेंगे कि उसके हाथ में कहीं पर हेयर है नहीं है, और फिर हम क्रीम या ऑयल लगाएंगे। मैं चेक कर रही हूँ उनको कि उनको घर जाके, आप मैम को भी कह सकते हो कि आप खुद भी चेक कर ले कि आपको घर जाके कहीं पर कंप्लेन ना हो, क्योंकि मेरी हमारी लैंग्वेज नहीं समझती, इसलिए मैं अभी खुद ही कर रही हूँ। ओके, तो इसकी स्किन थोड़ी ड्राई है, अगर आपके पास कोई ऑयली स्किन आती है तो आप क्रीम यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ड्राई स्किन आती है तो आप ऑयल यूज़ करें, बेटर है कि ऑयल यूज़ करें, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल, यहाँ पे लोगों की स्किन बहुत ही ड्राई होती है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा ऑयल ही यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से ऑयल यूज़ कर लें, कहीं पर भी वैक्स नहीं होना चाहिए, क्रीम के ऊपर करें। ये स्पेशल आफ्टर वैक्स ऑयल है, हमेशा ध्यान रखें आपकी, आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो उसके ऊपर नेम होना बहुत जरूरी है, आप जो भी यूज करें, क्योंकि क्लाइंट पूछते हैं कि आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो, आप कौन सा क्रीम यूज कर रहे हो, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। तो मैंने ऑयल लगा दिया है हमारा, अब इसके ऑयल है तो अब हम ऐसे इसको घर पर नहीं भेज सकते, तो हमने जो ये टिश्यू पेपर लिया है हम उसके साथ इसके ऑयल को भी क्लीन कर देंगे, तो उसका ऑयल भी क्लीन हो जाएगा और स्मेल हो जाएंगे। तो हमारा स्वेट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू मीना फॉर हेल्प मी फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको और भी अच्छी वीडियो सिखाऊंगी और भी अच्छा काम सिखाऊंगी, जितनी मेरे नॉलेज है मैं आपको भी सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।